देखिए हम सुनार की दुकान पे आए हैं। ये केसर, शिलाजीत, सब चीज़ें यहाँ मिलेगी। एक तोला, एक तोला यहाँ पे केसर। ये 10 तोले हैं, ये देखिए 10 ग्राम नेट वेट, 10 ग्राम। और यही 10 ग्राम कम से कम है 250 रुपये ग्राम है, 2500 रुपये का है ये छोटा सा। और ये तो पता नहीं कितने हजारों लाखों का भी हो सकता है। ये देखिए दुकान पूरी बैरीज, एवरी बैरीज, कितनी सारी, कितनी सारी बैरीज। 1 2 1 2 का 4 4 2 का 1। माय नेम इज लखन। ये भी तक मैंने खाई नहीं थी, अब खा के देखता हूँ मैं इसे। बीज भी है इसमें, एक वो होता है। खा रखे पहले, अभी याद नहीं मुझे, लेकिन इनका टेस्ट फिर वो बजाय मजा आ गया। ये पूरा गार्डन है इतना बड़ा एप्पल का, और वो सामने बहुत बड़ा पूरा एप्पल यहाँ पर होता है, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि सब तोड़ लिए, खा गए ये। किसी को इंडिया किसी को पूछा नहीं, कोई 4 बंदे आते हैं उनके लिए रखो थोड़े एप्पल, बिल्कुल लग के सब खा गए। जो थोड़े बहुत बचे हैं गले सले, उनका जूस बना के दे रहे हैं हमें। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, चीज़ें अच्छी हैं यहाँ की। अब देखते हैं जूस कैसा लगेगा, पी के देखते हैं, बताते हैं, अभी तक हमने पिया ही नहीं है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर ब्रेक के बाद। और ये एलएलपी कुछ वो नहीं है, मतलब करो मैं आवाओं का। बहुत अच्छा है यार, सच में बहुत अच्छा है। चाय लेंगे ऊपर से। फ्रेश है सर, दिखाओ आपके सामने फ्रेश है जूस, अगर और बनाना है तो बोल रहा हूँ। जूस इतना अच्छा है यार, दिखाना भी भाई जूस, भाई मज़ा आ गया कुछ चीज़ में, अलग ही लग रहा है, बिल्कुल लेवल ही अलग लग रहा है जूस का, सच में बहुत अच्छा लग रहा है यार। आप कहाँ से हैं सर? दिल्ली से। जो बिल्कुल लाल एप्पल होते हैं वो नहीं होते ना, सबसे मीठा आज यही होता है, गोल्डन यही होता है, इससे ये मीठा होता है, इसका जूस ज्यादा होता है फ्रेश। ये वैसे थोड़े सुखड़ जाते हैं, बाहर रखते हैं तो इनको, हाँ पानी का, हाँ आज ठंड है ना, माइनस है, इसलिए पानी में रखना पड़ता है। स्नोफल वगैरह, हाँ पहलगाम में है, मैं हूँ भाई। हाँ हाँ, ये है होगा अभी पहलगाम में स्नोफल। हाँ हाँ, ये पेड़ों का क्या हुआ यहाँ पे, सारे एप्पल नहीं किसी पे भी? ऑक्सीजन चल रहा है सर, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होता है इनका, सीजन होता है ऐसे जून से लेकर एंड तक की बात है, तो फिर उनकी क्वालिटी तो अलग ही होती है। हाँ और उनका टेस्ट ही बता रहा हूँ, एप्पल पिकल, एप्पल चटनी, एप्पल जैम, जूस बढ़िया यार, फ्रेश है ना सर, एक नंबर है। चलो मैं उधर टेस्ट कर रहा हूँ। ये वाला कौन सा था? कौन एप्पल मुरब्बा का है? एप्पल मुरब्बा ना भाई, तभी रुकेंगे हम सर। वो बात तो सही है, आपको टेस्ट भी करवाया, फ्रेश रखा है यहाँ पे। तो 13 रुपये से ले, एक मिनट बता दें इसका कहाँ होगा ये सवाल, सारे ले लूँगा एक एक डब्बा सर। आप जो भी लेगा 250 से 15% डिस्काउंट मिलेगा आपको, हम बेचते 50-50 डब्बा। कल मुझे केरला वाले फ़ोन करते, उन्होंने 20 डब्बा लिया, बोलते हैं कोरियर करो और 20 डब्बा। मैंने बोला कि अगर यहाँ से मैं कोरियर करूँगा आपको 200 में डब्बा, 140 रुपये कोरियर का होता है, वो साढ़े बता दें फिर हम जा रहे हैं, वरना 350 रुपये में डब्बा होता है। हमने 5 के 5 डब्बे ले लिए, घर जाके देखते हैं घर वाले बोलेंगे अच्छे हैं बुरे, घर वाले तो बेकार ही बोलेंगे, पैसे बर्बाद कर दिए। लहसुन वसन तुम्हें पता ही है, लहसुन का भी लिया है। चलो ठीक, वो देखो ठिपाड़ा लिखोड़ा, कोई पाकिस्तानी भाषा पता नहीं, कश्मीरी भाषा में लिखोड़ा। और अब हम इट्ठे से जा रहे कश्मीर, ओ सॉरी पहलगाम में हम जा रहे,
इससे पहले जब मैं आया था तो ये ठे बिल्कुल सफेदी थी और अब उन्हें कुछ भी नहीं है। अब पहले काम हम देखेंगे उठे कहीं है ना ही जाएगी पता लगेगा तो उठे जाएगा हम सब हम थमकू सारा कहीं बतांगे देखेंगे क्या होता उठे। अभी नेट अब हमने वेदर देखा था तो उठे स्नोफॉल दिखा रहा था अब पता नहीं हूँ या ना ही देखते जाएगा। ठीक है थोड़ी देर बाद मिलेंगे। रास्ता बहुत अच्छा लगी रहा गाड़िया गाड़िया अभी सामने से इटे स्कूल लगे तो ना रहा कोई स्नोफॉल मिलेंगे। नेट ने बावला बनाई दिया बावला नेटा के चक्कर में उठे आया नेट ने बनाई दिया बावला। जब नेट ने बनाई दिया बावला मैं मारा नेट के फावड़ा जो तुम देख रहे पूरे का पानी सारा पी गए पूरे कोई सा पानी नहीं है। छोरा स्कूल जा रहा छोरे स्कूल जल्दी आइए स्कूलों की से लड़ी नहीं हम वो सामने पहाड़ देख रहे तो सारे वाइट दिख रहे वो पहल का होना सारा तोड़ देख के तो लागी रहा के उठे बहुत बढ़िया वाली बर्फ मिल गई पर भी मजा कोई ना आ रहा मिशू सारी भाषा मैंने मिक्सिंग कर दी मिक्सिंग इन द हाउस और थोड़ा गुजरात के मिलाई देते वो तो लाग गई बर्फ पड़ी रही टिंगू डिश हेड शॉट हेड शॉट हेड शॉट हेड शॉट उठे पहाड़ा पे स्नोफॉल तो लगी रही पर जो स्नोफॉल नहीं स्नो पड़ी हमने नेट पे देखा इतनी सारी स्नोफॉल सवेर से लेकर राती तक पर उड़े तो धूप निकली रही क्या मिलंगड़ा वही मिलंगड़ा जो सोची रे स्नो मिलंगड़ी स्नो पड़ी हुई स्नो बेताब बेली जांगड़ी चंदन वाली आलू बेली और एक और काजे ने बताया था सिंथन करके कुछ बताया सिंथन वेली धूप निकलोड़ी निकलोड़ी धूप क्या करेंगे अब रोज घूम इसके पीछे सोनमार्ग की कहानी हो इसके पीछे भाईजान को पाकिस्तान जाना तो यो थम सारा नजारा देख ही लेंगे और ऐसे स्नोफॉल होएगी थी काल अब कुछ पता नहीं पहलगांव 7 किलोमीटर आड़ू वैली 19 चंदनवाड़ी 24 तो हम थमको तीनों जगह दिखाएंगे और जो थमको अच्छी लागे तुम उठी घूमो जाए रहे आएंगे वीडियो बनाए रहे आएंगे थमार लग खाली और ये का रोड थोड़ा ना खतरनाक सा है काजू ने उरे लगा रखी काजली और उठे ना ही लगा रखी ये छोटे छोटे बच्चे घूम रहे इनकी जय हो। धीरे धीरे मौसम बदलता जा रहा और ये पहाड़ों की बैलेट भी बदलती जा रही और ऐसे थोड़ी दूर रह गया है पहलगांव और सामने पहाड़ों पे तो हम बर्फ देख ही सकते बर्फाई बर्फा बर्फाई बर्फा ओ बर्फाई बर्फा की वीडियो आगे बनाएंगे बहुत बड़ा बर्फ बर्फ बोली ना पैरा नशा कोई करा हूँ इसलिए बोली ना पैरा दो तीन पैक पी लिए फिर गाड़ी भी चलाने में मजा और बोलने में भी खूबसूरती खूबसूरती है सारी वाह बढ़िया मिलेगा बेताब वैली तुम्हारा दिल खुश हो रहा है ऐसा मिलेगा दिल तो ये भी खुश हो गया बर्फ देख के कुछ नहीं है दिल तो वही खुश हो गया था गुलमार्ग में सबसे सुंदर पहलगांव है सबसे सुंदर कश्मीर का यहाँ से ही अमरनाथ की यात्रा स्टार्ट होती है सबसे ऊपर है सियाचिन एकदम टॉप पे है जहाँ कभी बर्फ पिघलती नहीं वो एरिया मेरी सास का है सारा जहाँ कभी बर्फ पिघलती नहीं बर्फ की चादर बिछी हुई है यहाँ पे
भैया आप इधर से उधर तक नहीं गए तो चंदनवारी की बात नहीं है। क्या है वहाँ पर मिल गया सेम, वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं है, अंदर जाओ। ये तो मैं घूम रखा हूँ, चंदनवाड़ी नहीं गया मैं अभी तक। चंदनवाड़ी एक्चुअली जैसे पहाड़, वो देखो जैसे वो है ना, सेम ऐसा ही है, स्नो है पूरी। चंदनवाड़ी गाड़ी नहीं जाएगी, आठ पे रोड तक गाड़ी जाएगी बस, बाकी पैदल चलो आप। नहीं आप बैडमिंटन खेलेंगे अंदर, भाई ट्राली उसमें हमको 2 आदमी लेके जाना पड़ता है उधर। मैंने हमारी एक कितना बेटर होना चाहिए आपको क्या? हाँ हाँ ग्राउंड है बहुत बड़ा, स्नो ना हो बस है। यू चले ये आ रहा है भैया, क्या आ रहा है भैया? तो आगे कर सकते ये मार मत दियो शॉट, मैं भी हो रही है भी।
वो तो डाल देंगे फिर मैं उल्टी वाली इंस्टा वाली फिर। भाई मैंने स्ट्रिंग डाली है जल्दी ले क्या बोल बैग रख ले पहले बैग तू ही तो करेगा बैटिंग ये बहुत कम करा दे दो ही खेले मैंने भी चल आगे देखिए टाइम बहुत कम है ज़्यादा तेल वाला है कवा ही बोल बोल के थक गया क्या बोलूँ और अब मेरा बैट बोलेगा बढ़िया नज़ारा है बढ़िया बैट बॉल अपना लेकर आए हम एंड तक जाएंगे जहाँ कोई नहीं जा रहा हम जाएंगे बड़ी धूप हो रही है यार सही है स्नोफॉल नहीं मिली थक गया यार स्नोफॉल को देख देख के उल्टा से कैसे डालूंगा बेताब बेली देखो सबसे अलग रास्ते से हम ही जा रहे हैं चलते हैं आएंगे आपको फिर रास्ते के मजे पहले तो यार यहाँ पे बहुत कम ही थी टूरिस्ट तो बहुत ज़्यादा हो गया जब मैं आया था तो बहुत बर्फ थी पेड़ आगे इसमें ही चढ़ जाऊँगा अभी हीरो बन जाता कौन सी वाली पैर दो कितने दस गए आगे तो मेरी खींचना होटा ये देखो कश्मीर के नज़ारे और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे हमें क्योंकि धूप भी निकल गई और बर्फ देखो दुनिया भर की बर्फ खैर पेड़ों पे बर्फ सुबह हुई है स्नोफॉल फ्रेश स्नोफॉल तो वही है ये सारी और देखो सारा नज़ारा देखो बढ़िया वाला फोनिंग करके दिखाओ प्लीज़ तो अब हमने आपको बेताब वैली दिखा दिया अब चलते हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड अब आपको वो दिखाएंगे ठीक है।